हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सोलर सिस्टम और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा। इस वीडियो में भी हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। हम लोगों ने देखा सन के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा था, मरकरी। उसके बाद कौन सा आया, वीनस, जो कि क्या है, अर्थ का ट्विन भी है। साथ में अर्थ के बाद कौन सा है, मार्स, जिसे लाल ग्रह कहते हैं। वीनस क्या है, हॉटेस्ट ग्रह है। अर्थ क्या है, इसे ब्लू ग्रह भी कहेंगे। इसके बाद आता है जुपिटर, जो कि लार्जेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर क्या है दोस्तों, लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके बाद आता है सैटर्न, वह है सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, सैटर्न। हम लोग दोस्तों दो तीन याद करेंगे क्रम से तो हम लोगों को याद हो जाएगा। जुपिटर है लार्जेस्ट, सैटर्न है सेकंड लार्जेस्ट, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, मरकरी। स्मॉलेस्ट है मरकरी, जुपिटर क्या है लार्जेस्ट, सैटर्न क्या है सेकंड लार्जेस्ट। आइए दोस्तों आज हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न है सैटेलाइट ऑफ मार्स। मार्स का जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है दोस्तों, यह है फोबोस एंड डेमोस। मार्स का जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, फोबोस एंड डेमोस। इसको हम लोग अलग अलग तरीके से बोलेंगे, और यह फोबस एंड डेमोमोस। इस तरीके से हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीके से इसको, फोबस डेमोस कहेंगे, और ये हमको याद होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, गैनीमेडा इज द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, और दूसरा हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम इज गैनीमेडा। मतलब दोस्तों जुपिटर का जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, गैनीमेडा। जुपिटर का एक सैटेलाइट का क्या नाम है, गैनीमेडा, और यह गैनीमेडा पूरे सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सैटेलाइट है। इसे भी हम लोग याद करेंगे। इसके पहले हम लोग एक और देख लेते हैं दोस्तों, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न इज टाइटन। टाइटन क्या है, टाइटन सैटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने याद किया जुपिटर क्या है लार्जेस्ट प्लैनेट, और सैटर्न क्या है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, और इस इन्हीं का जो सैटेलाइट है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक एक सैटेलाइट का नाम हम लोग याद करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला सैटेलाइट जिसका नाम हम लोग याद करेंगे, जुपिटर का सैटेलाइट का नाम क्या है, गैनीमेडा, और इसे हम लोग पढ़ेंगे ज्ञानमेदा। इसका नाम है गैनी, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ज्ञानमेदा। इसे हम लोग याद कैसे करेंगे दोस्तों, आप सभी जानते हैं बृहस्पति को हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों, गुरु, और गुरु क्या देते हैं दोस्तों, ज्ञान। इसी के साथ दोस्तों, जिनका प्लैनेट खराब चलता है उन्हें बोला जाता है कि आपका जुपिटर क्या है, खराब है। क्यों जुपिटर खराब है, क्योंकि आपका बुद्धि क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है, बुद्धि में कमी आ रही है, तो आपका क्या ग्रह खराब हो सकता है, बृहस्पति, और उसके से आपको क्या कमी आएगी, ज्ञान की कमी आएगी। तो ज्ञानमेदा, गैनीमेदा को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, और बृहस्पति का सबसे बड़ा सैटेलाइट के रूप में हम लोग पढ़ सकते हैं। साथ में यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट भी है। दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों, सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है उसका नाम है टाइटन। उसका नाम क्या है दोस्तों, टाइटन। इसे हम लोग कैसे याद करेंगे दोस्तों, यही देखिए दोस्तों, यह है सैटर्न जो कि सेकंड लार्जेस्ट है, जुपिटर जो कि लार्जेस्ट है। इसे हम लोग याद करेंगे, देखिए यहाँ दोस्तों, यह मेरे पास टाइटन का घड़ी, आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत महंगा घड़ी है, लगभग 5-6 करोड़ रुपए का घड़ी है। इसे हम लोग इस सैटर्न को पहनाएंगे, इस सैटर्न को हम लोग इस घड़ी को क्या करेंगे, पहनाएंगे, क्योंकि सैटर्न को यह टाइटन की घड़ी बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने टाइटन की घड़ी पहनाया। टाइटन का घड़ी किसे पहनाया दोस्तों, सैटर्न को पहनाया। देखिए दोस्तों, सैटर्न को हम लोग टाइटन का घड़ी पहना रहे हैं। इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि सैटर्न का जो एक सैटेलाइट है, बहुत बड़ा सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है, टाइटन। और गैनीमेडा किसका है, जुपिटर का। अरे दोस्तों, एक दो और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, प्लैनेट ग्रीनिश इन कलर। यहाँ देखिए दोस्तों, यूरेनस कैसा है, ग्रीनिश इन कलर। मार्स रेड है, अर्थ ब्लू है, और यूरेनस क्या है, ग्रीनिश। यूरेनस ग्रीनिश। आगे देखते हैं दोस्तों, ट्विन ऑफ यूरेनस। यूरेनस का ट्विन किसे कहेंगे, नेपच्यून को। यह देखिए दोस्तों, यह नेपच्यून यूरेनस ये इसका ट्विन है। साथ में अर्थ का ट्विन कौन सा है, वीनस। वीनस को हम लोग क्या कहते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट। आगे हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन दोस्तों, यूरेनस वाज डिस्कवर्ड बाय सर विलियम हर्शल।
सर विलियम हर्शल। यूरेनस किसके द्वारा खोजा गया? सर विलियम हर्शल। प्लैनेट्स के बारे में कुछ और हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट के वीडियो में।